नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से है, जहां जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे दुधवा टाइगर रिजर्व एक बार फिर कोविड 19 के चलते कुछ नए नियमों के साथ सैलानियों के लिए खोल दिए गए, जिसको लेकर सैलानियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। दरअसल वैश्विक महामारी कोविड 19 के कारण इस बार दुधवा को समय से पहले ही पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद 15 नवंबर को खुलने वाले दुधवा 1 नवंबर से ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जिसका शुभारंभ ऑनलाइन तरीके से किया गया। आपको बता दें, कोविड 19 के चलते सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए पलिया मुख्यालय पर ऑनलाइन शुभारंभ की कार्यक्रम किया गया, जिसमें वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने ऑनलाइन दुधवा नेशनल पार्क का शुभारंभ किया। वहीं कोविड 19 का पालन करते हुए दुधवा के डायरेक्टर मनोज सोनकर व दुधवा वार्डन अमरेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दुधवा के लिए सैलानियों को रवाना किया। रविवार की सुबह दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए खुल गया। कोविड 19 के खतरे को देखते हुए पार्क के स्थानों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई। सैलानियों के लिए जहां नए नियम बनाए गए, वहीं जंगल स्टाफ को भी गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। दुधवा में बच्चे और बुजुर्गों की एंट्री बंद रहेगी। ऑनलाइन तरीके से दुधवा के शीतकालीन सत्र का वन मंत्री ने फीता काटकर शुभारंभ किया। उधर लॉकडाउन में तय समय से पहले ही खुलने के बाद अब पर्यटन के क्षेत्र में जहां लोगों को काफी अच्छा होगा, उनके साथ साथ सरकार की भी आय बढ़ेगी। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम आरती मिश्रा है और आज जो ओपनिंग हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग घूमने जा रहे हैं और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन कर रहे हैं। हम लोगों ने सबने मास्क लगाए हुए हैं, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने भी, और सैनिटाइजर साथ में ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब वहाँ सफारी में जाएंगे तो वन्य जीवों को भी इससे कोई खतरा ना हो, इसलिए हम लोग पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का और पूरा जो हम लोगों को पालन करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग दुधवा गए? हाँ, कई बार जा चुके हैं इससे पहले। वन्य जीवों के दीदार हुए वहाँ पर? हाँ, कभी कभी हो जाते हैं। हम लोग करीब 60 गाइड हैं और दिशा निर्देश ये हैं कि एक गाड़ी में सिर्फ 4 लोग बैठेंगे और उसको सैनिटाइज किया जाएगा गाड़ी को, और उसके बाद फिर सब मास्क लगाए होंगे, और मतलब 60 साल से ज़्यादा का कोई बुज़ुर्ग उसमें नहीं बैठा होगा और 10 साल से कम का बच्चा कोई उसमें नहीं बैठा होगा। जो पर्यटक के आने के लिए जो सामान्य नियम हैं वो तो इस वर्ष भी वैसे के वैसे ही लागू रहेंगे। जैसे आप फायरआर्म्स लेके नहीं आ सकते हैं, आग नहीं जला सकते हैं, उसके बाद में आप कोई शिकार वहाँ पे नहीं कर सकते, नॉन वेज नहीं बना सकते हैं, और आप अल्कोहल वगैरह को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। एडिशनलिटी जो है वो कोविड को दृष्टिगत रखते हुए ये किया गया है, जितने भी पर्यटक जाएंगे प्लस हमारा स्टाफ जाएगा वो मास्क पहनेगा, हैंड सैनिटाइजर साथ में लेके जाएंगे, और किसी भी व्हीकल में 4 से ज़्यादा पर्यटक नहीं रहेंगे। एक तो ये एक्टिविटी है। दूसरा ये है कि टूरिस्ट का एक लॉट जाने के बाद में व्हीकल को फिर से सैनिटाइज किया जाएगा। अगर कमरों में रुकते हैं तो जैसे ही एक लॉट बाहर जाता है उसके बाद रूम्स को भी सैनिटाइज किया जाएगा। और इस बात का भी जो है ध्यान रखा जा रहा है कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पर्यटकों से खुद हम लोग भी ये बात कहें कि जहाँ बच्चों की उम्र कम है, अगर हमें लगता है कि भाई ये प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो, या ये बुज़ुर्ग हैं, या उनको जो है कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, तो ख़ुद हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करें कि आप अगर ये रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आने वाले पर्यटकों को एडिशनल चार्ज लगेगा इस बार क्या, कुछ बढ़ते हैं? बिल्कुल, एडिशनल चार्ज लगेगा क्योंकि कमरों का भी सैनिटाइजेशन रहेगा, शायद 100 रुपीज़ पर राउंड उसका है, और उसके बाद व्हीकल भी सैनिटाइज किया जाएगा तो उसके लिए भी 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा रहेगा। हर बार हाथी सफारी रहता था, इस बार रहेगा? देखिए, हाथी सफारी को थोड़ा सा आप एक चीज़ खुद देखिए, एक तो महावत बैठता है, अगर मानिए एक आदमी भी उसके ऊपर बैठेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो नहीं होगा। तो अभी हम लोग हाथी सफारी को स्टार्ट करने से थोड़ा सा होल्ड करना चाहते हैं, ये देखने कि अगर कोविड का प्रकोप कम होता है तो डेफिनेटली उसको शुरू करने पे विचार किया जाएगा। पिछले साल में दुधवा पहली बार 1 नवंबर को खुल रहा है, इससे पहले 15 नवंबर को खुलता था। कोई विशेष कारण? देखिए साहब, क्या है कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है, हमेशा परिवर्तन जो है वो एक नियम है। तो अब आप देखिए कि हम लोग 15 नवंबर से खोलते थे, अब की बार प्रयास ये हुआ कि हम लोग लाइए क्या 1 नवंबर से खोल के देखें क्या इम्पैक्ट आता है, इसको स्टडी किया जाएगा। और जैसे कि आप सुन भी रहे होंगे, माननीय मंत्री जी ने भी ये कहा कि हम प्रयास ये करेंगे कि इसके खुलने का समय जो है हम थोड़ा सा और बढ़ाएं,
कि मतलब कोसता कि अगले साल आप ये देखें कि शायद हम अक्टूबर में इसको प्रारंभ करें, या अगर इस साल का अनुभव हमें ये बताता है कि नहीं साहब ये बहुत उचित नहीं रहेगा तो शायद फिर से हम 15 नवंबर पे आएं। सर एक आज अच्छी खबर, एक टाइगर को देखा गया, क्या सर देखें? नहीं साहब मेरे ख्याल से चूंकि हमारे पीसीसी से वाइल्ड लाइफ जो है सुनील पांडे जी ये बात बता रहे थे तो डेफिनेटली देखा गया होगा, और मैं भी अभी दुधवा ही जा रहा हूँ और मेरा भी प्रयास ये रहेगा कि मुझे भी टाइगर्स विद फोर कब्स दिखाई दे, तो ये तो एक बहुत ही जो है शुभ संकेत है ये तो। और इसका देखिए एक और इसका इंडिकेशन है वो ये है कि इसके मतलब इनका हैबिटेट, इनकी सुरक्षा समुचित तरीके से है, और जो इनका एक नेचुरल हैबिटेट मिलना चाहिए वो इनको नेचुरल हैबिटेट मिल रहा है इनको।